यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर आज भी पंचकुला में इकट्ठी हुई होंगी और जहां पर उन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर रोष भी जता सकती हैं। आपको बता दें, हालांकि कल भी ये मामला हुआ था, कल भी वो पंचकुला में इकट्ठी हुई थी और उन्हें श्रृंखला बनाकर रोष प्रदर्शन किया था। दरअसल पिछले कई दिनों से समान काम समान वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर आशा वर्कर्स प्रदर्शन कर रही हैं। आपको बता दें, आशा वर्कर्स जो कि काफी समय से धरने पर हैं और सरकार के खिलाफ जगह जगह रोष प्रदर्शन कर रही हैं। इनकी मांग है कि इन्हें समान काम और समान वेतन दिया जाए। वहीं पर कई सियासी नेताओं के इस प्रकार के बयान भी आते हैं, ये दिल मांगे मोर, जिसको लेकर सियासी हलचल और बढ़ जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आशा वर्कर्स आखिरकार कब शांत होगी और कब सरकार के द्वारा उनकी बातों को सुना जाएगा, उनकी मांगों को सुना जाएगा। फतेहबाद की बात करें, पानीपत की बात करें, हिसार की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, हर जगह बस एक ही हाल है, जहां पर आशा वर्कर्स धरने पर बैठी हुई है। और हालांकि उन्होंने 15 तारीख से जेल भरो आंदोलन भी शुरू कर दिया था, बावजूद उसके सरकार की तरफ उनका आरोप है कि सरकार की तरफ से कोई उनकी बात सुनने नहीं आता।